अरे दीवानो मुझे पहचानो। हेलो दोस्तों, नमस्कार। झुकेगा नहीं साला टेलर रिलीज कर दिया गया है पुष्पा टू का, धमाल मच गया। कितने दिनों से, कितने 3 सालों से हम सबको इंतजार था कि पुष्पा डूब के मर गया या बच गया। अब वो शुभ घड़ी आ गई है कि हम पुष्पा टू का ट्रेलर देख सकते हैं। मूवी तो अभी टाइम है आने में। पुष्पा टू का हम पहले ट्रेलर देख लेते हैं, क्योंकि झुकेगा नहीं साला रुकेगा नहीं साला, क्योंकि रूल वो भी पुष्पा के। तो पहले रूल क्या क्या है और कौन कौन उनको फॉलो कर रहा है, पहले हम वो देखते हैं। कौन है ये आदमी? इसे ना पैसों की परवाह है, ना पावर का खौफ। जरूर इसे कोई गहरी चोट लगी है। अक्षर नाम छोटा है लेकिन साउंड बहुत बड़ा। पुष्पा सिर्फ एक नाम नहीं है, पुष्पा मतलब ब्रांड। वल्ली मेरी बाइको है। जब एक पति अपने बाइकों की सुने तो क्या होता है, पूरी दुनिया को दिखाएगा। अरे दीवानो मुझे पहचानो। पार्टी होगी पुष्पा, एक होगी पार्टी। जो मेरे हक का पैसा है वो चार आना हो या आठ आना, वो सातवें आसमान पर हो या सात समंदर पार हो, पुष्पा का उसूल करने का पसो। पुष्पा को नेशनल खिलाड़ी समझे गया, इंटरनेशनल है। टेलर हम लोगों ने देखा, बहुत बहुत ज्यादा धमाकेदार था वो। वाइल्ड नहीं, वो वर्ल्ड वाइड था, मतलब धमाकेदार धमाका भी हुआ था। जो पुष्पा टू का टेलर हमने देखा उसमें हम सिर्फ एक सवाल करना चाहते हैं, वो भी सब लोगों से, और हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर बताइए कि 54 और 58 का मतलब क्या होता है। जितने लोग भी हैं इस टेलर को देखेंगे वो 54 और 58 का हिंदी में या इंग्लिश में हमें लिख के बताएं कि 54 किसको कहते हैं और 58 किसको कहते हैं। हम सारे कमेंट का जवाब आपको जरूर देंगे, ये हमारा वादा है। पुष्पा के रूल से हम नहीं चल सकते, अपने रूल से चलते हैं। तो चाहे उनकी 54 को ही ले ले, चाहे उनकी 58 को ही ले ले, वो छोड़ते नहीं। चाहे वो सातवें आसमान पर उनका पैसा रखा हो, चाहे सात समंदर पार रखा हो। इतनी धमाकेदार एंट्री की ना इन्होंने। शुरुआत में दिखाया गया हाथी चिल्ला रहे हैं और पुष्पा उस गांव में रह रहे हैं, ऐसा देखने में लग रहा था। और पुष्पा के पूछे पूरी मतलब पुलिस पड़ी हुई, वो कहते हैं कि लोगों ने समझा कि नेशनल है, हम नेशनल नहीं, हम इंटरनेशनल है। क्योंकि पुष्पा के रूल के आगे किसी की नहीं चलती, वो छोड़ते ही नहीं किसी को। वो कहते हैं इसको पैसे की ज़रूरत नहीं है, इसको किसी की चिंता नहीं है, लगता है इसे बहुत गहरा घाव हुआ है। पुष्पा को किसका घाव हुआ है ये हम सब लोग जानते हैं।
पुष्पा को पैसे की बिल्कुल परवाह नहीं है, ये सब लोग हम सब लोग ये भी जानते हैं क्योंकि हम लोगों ने पुष्पा देखी है। और वो कहते हैं ना कि जो बीवी के कहने से चलता है ना उसको क्या बोलते हैं। और फिर इसमें जो दो रूप दिखाए गए ना वो पुष्पा टू नहीं है, मतलब अल्लू अर्जुन डबल रोल में नहीं है। हमें ट्रेलर को देख के ऐसा लगा, इसमें दिखाया गया ना कि पुष्पा को पानी में ढकेल देते हैं और वो चले जाते नीचे, फिर वो जहाँ निकलते हैं वो कहते हैं अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन। तो ऐसा है कि वो उसमें डूब गए और फिर वो जब आते हैं तो सारे लोगों से बदला लेते हैं। सस्पेंस, थ्रिलर, कॉमेडी, एक्शन, डायलॉग एक से बढ़कर एक थे। बहुत धमाकेदार ट्रेलर था, वो भी 5 दिसंबर को आएगी सिनेमाघरों में, सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी, ऐसा इस ट्रेलर को देख के हमें लगा। इस ट्रेलर दिखाया जाता ना रश्मिका मंदाना चिल्लाती देती तेज कि पुष्पा कोई नाम नहीं है, पुष्पा एक ब्रांड है। तो वो अपने आप को ठोकते हैं, अपने आप को शाबाश देते हैं। और इसमें ये भी दिखाया जाता ना कि सारे लोग पुष्पा की तरफ खड़े होते हैं, शुरुआत में वो ऐसे लाठी ठोकते हुए दिखाए जाते हैं क्योंकि सहमति दिखाते हैं कि पुष्पा ही सब कुछ है और पुष्पा ही ब्रांड है। कई जगह पे ट्रेलर में ऐसे लगा अंधेरी रात घुप वाला होता है, पर कई जगह लगा कि पुष्पा आए और दिखाई भी दिए और वो अपने रूल के हिसाब से चल रहे हैं। उनका ये जो स्टाइल था ना जो 2021 में बहुत फेमस हुआ था, बस वो कई बार दिखाई दिया। पर जब उन्होंने रूप अपना बदला था क्योंकि उनको किसी ने पानी फेंक दिया और सब लोग सोचते हैं कि वो मर गए, पर वो मर नहीं गए, वो आए। गाना भी वही है। फिर इसके बाद में वो एक बार तो उनका दिखाया गया कि आधा आधे बाल थे आधे बाल नहीं थे, मतलब वो किन्नर की तरीके फैशन किए हुए थे। एक तरफ दिखाया गया कि बहुत गले में माला पहने नींबू की और उसकी, और आधा शिव आधा पार्वती वाला दिखाया गया। कई तरीके के रूप उन्होंने बदले, वो भी वर्ल्ड वाइड धमाल मचा देगी। तो 2024 की सबसे बड़ी मूवी पुष्पा 2 ही होगी। पर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइए कि पुष्पा 2 का जो ट्रेलर देखा ना वो आपको कैसा लगा। पुष्पा 2 का जो ट्रेलर है ना वो पटना में गांधी मैदान में लॉन्च किया गया जिसमें अल्लू अर्जुन खुद पर आ रहे, अभी इवेंट वहाँ चल रहा है। और जितने भी भोजपुरी कलाकार थे ना उन्होंने उनका जोर शोर से स्वागत किया, तो हम भी स्वागत करते हैं पुष्पा 2 ट्रेलर का। और कमेंट जरूर करिएगा कि पुष्पा 2 का ट्रेलर आपको कैसा लगा, हमें बहुत बहुत अच्छा लगा। बने रहिए हमारे साथ रिएक्शन वाले, इनको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर से ज़रूर कीजिए कि झुकेगा नहीं साला या रुकेगा नहीं साला, और चवन्नी और अठन्नी किसको कहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।